हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर बनने वाले मिल्क पाउडर के बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन रेसिपी लेकर आई हूं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर मैदा ले लेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ पर सूजी ले लेंगे। रेशियो आप हिसाब से रखिएगा बिल्कुल सही तरीके से। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस रेशियो से बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। घी डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इससे ओवर चीज़ें ना डालें, इतने ही डालें जितना मैंने बताया है और बहुत ही इजीली हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे अब हम हल्के हाथों से नीट कर लेते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं नीट करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह से गीला कर लेना है। बिल्कुल भी सख्त डो नहीं बनाना है क्योंकि हमने इसमें सूजी और मैदा जो डाला है वो फूलेगा अभी। तो इसमें दूध चला जाएगा 6 से 7 टेबल स्पून, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। और दूध हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ है, तो ये देखिए बहुत ही स्टिकी हो गया है अभी। तो अच्छी तरह से स्टिकी डो ही हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है। तो थोड़ा सा दूध अभी इसमें और डालेगा, 6 से 7 टेबल स्पून ही दूध इसमें इस्तेमाल होगा। तो बस इस तरह से हमें हल्के हाथों से ही इसे नीट करना है और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे जब तक कि हमारी चाशनी बनेगी। और बस झटपट से हमारे गुलाब जामुन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए और 1 कप हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। पानी भी हम डाल देंगे 1 कप और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। चीनी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई, तो इसमें हमने फूड कलर डाल दिया है केसरी, इससे हमारी चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और एक नींबू का जूस डाल देंगे, बिल्कुल छोटे स्लाइस मैंने लिया है जिससे कि बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। चाशनी में किसी भी प्रकार की तार नहीं चाहिए हमें, बस हमारी चाशनी हल्की सी चिपकने लगे इतना ही। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर एकदम सूख गया है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो बस अब हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बना लेना है हमारे गुलाब जामुन। ये देखिए बिल्कुल भी चिटके हुए नहीं रहने चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल झटपट से, एक दो सेकंड लगा इसको बनाने में। ये देखिए इसी तरह से हम इन्हें बना बना कर रख लेंगे और बहुत ही ईजिली ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी मार्केट से लाने की कोई झंझट नहीं है, इसी तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन तलने के लिए हमने अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लिया है लो फ्लेम पर। अब इस तरह से राउंड कर लेंगे और बस छोड़ देंगे। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो रहना चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से लाल हो जाएंगे। तो बस मैंने थोड़े थोड़े डालना है इसमें, ज़्यादा इकट्ठे ना डालें नहीं तो फिर ये फूट जाते हैं। तो मैं इसमें 4-4 करके ही डालूँगी और आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं इनमें, किनारे से ही तेल को हल्का हल्का हिलाते रहें जिससे कि ये बिल्कुल इक्वल हमारे अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्प फ्राई हो जाएंगे। अगर आप इन्हें जम से हिला देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो बस हल्के हाथों से तेल को हिलाते रहें और ये राउंड राउंड करके अच्छी तरह से फूल भी जाएंगे, डबल साइज़ के हो जाएंगे। इन्हें हमें फ्राई करते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, हाई या मीडियम बिल्कुल भी ना करें। और इस तरह से तेल को हिलाते रहें जिससे कि गुलाब जामुन एकदम सही तरह से हर तरह से गोल्डन हो जाए। तो बिल्कुल ये 5 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से इन्हें हिलाते रहेंगे तेल से और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है। तो बस इसी तरह से हल्का हल्का टर्न कर दें और बस इनमें बिल्कुल भी टच ना करें, बस तेल में ही हम इस तरह से, आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल में कोई भी बबल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें गुलाब जामुन को अंदर तक फ्राई करने हैं। तो बस इनका कलर अपने आप ही चेंज होता जाएगा और ये साइज़ में एकदम डबल हो गए हैं, ये देखिए। तो बस इस तरह से हम हिलाते रहेंगे और इनका कलर चेंज होने तक इन्हें पकाते रहेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा हो गया है और इसे अभी थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे अभी। और इनका कलर आप देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें हिलाते हुए इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है।
तो ये देखिए गुलाब जामुन का बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर और चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी को हमें गुनगुनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, लेकिन गुनगुनी गर्म होनी चाहिए जिससे कि चाशनी अच्छी तरह से हमारे गुलाब जामुन के अंदर चली जाए। नींबू का स्लाइस हमने निकाल दिया है और चाशनी एकदम परफेक्ट चिपचिपी वाली बनी है। तो ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं हमारे गुलाब जामुन। तो अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे जिससे कि सारा रस इसके अंदर आ जाए। तो बड़ा सा ही बर्तन लें जिससे कि गुलाब जामुन बहुत ही अच्छी तरह से दूर दूर रहें और अच्छी तरह से चाशनी पी सकें। पास पास में रखने से क्या होता है कि हमारे गुलाब जामुन टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी आसान हमारे झटपट से रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।